मैच शुरू होने से पहले कैसे पता करें कि 1 2 3 4 5 6 नंबर पे कौन खेलना है क्या, आज की इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो सबसे पहले गाइस मैं ड्रीम इलेवन पर जाता हूँ और मैं टीम क्रिएट करके बताता हूँ। जैसे मैं गाइस यहाँ पर आपको क्रिएट टीम पर करूँगा, क्रिएट टीम पर क्लिक करूँगा तो अब यहाँ पर पता नहीं चल रहा कौन सी टीम यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अभी लाइनअप नहीं आया। तो वो लाइनअप के लिए आपको जैसे कबड्डी है तो कबड्डी में 7 होन के बाद यहाँ पर आपको अभी यहाँ पर जो रिसेंट में जिसका लाइनअप हो गया होगा उसके, जैसे बास्केटबॉल में भी अभी यहाँ पर लाइनअप नहीं आया, बेसबॉल वॉलीबॉल में भी नहीं आया और हैंडबॉल के अंदर भी नहीं आया, क्रिकेट के अंदर भी यहाँ पर अभी नहीं आया वर्तमान के अंदर। भाई कबड्डी के अंदर जाओगे तो यहाँ पर नहीं आया, बेसबॉल के अंदर बास्केटबॉल के अंदर यहाँ पर लाइनअप चेक करते हैं तो यहाँ पर मैं गया और क्रिकेट टीम पर क्लिक की तो यहाँ पर भी लाइनअप नहीं आया। तो यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर गाइस अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर गाइस कैसे टीम पे क्लिक किया, यहाँ पर टीम पे क्रिएट करने जाओगे, क्रिएट टीम पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर गाइस आपको एक लाइनअप का ऑप्शन मिलेगा। उस लाइनअप पे यहाँ पर क्लिक करोगे तो वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि और एक कितने नंबर पे खेलने आएगा, वो गाइस हम कैसे पता कर सकते हैं। तो गाइस इसे पता करने के लिए आपको मैं सबसे बेस्ट तरीका बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर गाइस आपको कितने नंबर पर कौन आएगा तो ये जानने के लिए सबसे पहले गाइस आपको मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको मैच लाइनअप यहाँ पर ये आ रहा है ना, इस पर क्लिक करना। ये कब ओपन होगा लाइनअप, जब यहाँ पर टॉस होने के बाद लाइनअप होगा उसके बाद उस लाइनअप पे क्लिक करके कितने नंबर पे कौन खेलने आ रहा है वो पता लग जाएगा। तो आई होप कि गाइस सबको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर।